मैं एक प्रैक्टिकल औरत हूँ, बिला सबूत और मुतमईन हुए बगैर किसी भी गैर मरई शय या अनहोनी बातों पर फौरन यकीन नहीं करती। इसीलिए भूत प्रेत वगैरह को लफ्जी या वहम किस्सागोई और जहालत की निशानी समझती थी, क्योंकि मेरा पहले कभी भी इस किस्म के हालात से कोई वास्ता नहीं पड़ा था। मैं एक NGO में काम करती हूँ, इसीलिए काम के सिलसिले में मुझे कभी कभार शहर से बाहर जाना पड़ता है। मेरे काम की नवयत ही कुछ ऐसी है, इसीलिए अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों और गांव में आना जाना रहता है, कभी स्टाफ के साथ तो कभी अकेले। खैर, उस दिन भी मामूल के एक काम से मुझे बदेन शहर जाना पड़ा। मैंने किराए पर टैक्सी अरेंज की और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। तमाम रास्ता हरियाली, खेतों, बागात, मैदानों और जंगलात से भरा पड़ा था। ऊपर से मौसम भी खासा खुशगवार था, बादल आसमान में फैले हुए थे। खूबसूरत मनाजिर देखते हुए सफ़र तमाम हुआ। जहन में म्यूज़िक की धुन गूंज रही थी जो दौराने सफ़र गाड़ी में चल रहा था। वही धुन गुनगुनाते हुए मैं मतलूबा ऑफिस पहुंची और काम में मसरूफ हो गई। काफ़ी वक्त वहीं पर हो गया। बहरहाल काम ख़त्म हुआ तो वापसी का इरादा किया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। दौराने सफ़र भूख ने सताया तो मैंने ड्राइवर से कहा कि रास्ते में किसी शॉप से कुछ खाने की चीज़ मिले तो गाड़ी रोक लेना। थोड़ी दूर चल के एक सादा सा ढाबा नज़र आने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली, खाने का ऑर्डर दे दिया। गांव जैसा माहौल था, सादा सा खाना खाने को मिला, पर भूख में खाना बहुत ही लजीज और जायकेदार लगा। मैंने गाड़ी में खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। पैसे देकर अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हुई। अब तो मौसम पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गया था, कभी कभी हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती। खैर, एक छोटा सा गाँव क्रॉस किया तो आगे रश था। पता करवाया कि रोड क्यों ब्लॉक है तो पता चला कि एक ट्रक ओवरलोड की वजह से उलट गया था और उस ट्रक के नीचे कुछ राहगीर भी आ गए थे, उनकी मौत वाकई हो चुकी थी। गांव में सहूलियात ना होने की वजह से शहर से क्रेन मंगवाई गई थी जो अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन लोग अपनी मदद आप के तहत उन मुर्दा लोगों को ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ से गुजरने का रास्ता बिल्कुल नहीं था। कुछ लोग सड़क पर खड़े एहतजाज कर रहे थे, लिहाजा तमाम गाड़ियां लाइन से साइड पर खड़ी हो गईं और चंद गाड़ियां जहां से आई थी वहीं वापस चली गई थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता खुलने का इंतज़ार करूं या कोई और हल निकालूं। ड्राइवर पता करके आया कि यहां से थोड़े फासले पर एक लिंक रोड है और वाकई थोड़ा पीछे जाके सीधे हाथ पर वो रोड मिल गया जो खेतों से और छोटे गाँव से गुजरता हुआ शहर वाले रोड से मिल जाता था। पर रास्ता नाहमवार और कुछ खस्ता हाल है और काफ़ी लंबा चक्कर हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये सुनकर मैंने फौरन फैसला किया कि रुके रहने से बेहतर है आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मुझे आज जल्दी घर वापस जाना था। घर वाले अलग परेशान हो जाते। खैर, ड्राइवर ने गाड़ी मतलूबा रोड पर डाली और फिर सफ़र शुरू हुआ। काफ़ी खामोशी थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना थी, अजीब किस्म की वहशत फैली हुई थी। चलते चलते मैं अपने माजी की तल्ख यादों में खो गई थी। बचपन यतीमी में गुजरा। माँ ने बड़ी मुश्किल से हम दो बहनों और एक भाई को पाला, तालीम दिलवाई, वो कपड़े सीती थी। जब मैं बड़ी हुई तो माँ ने मेरी शादी कर दी, पर शादी के एक साल बाद ही मैं बेवा हो गई और ससुराल वालों ने मुझ पर मनहूस होने का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। मैं उस वक़्त उम्मीद से थी, पर उन लोगों ने कोई रहम ना खाया। मैं सदमे और मायूसी में माँ के घर आ गई। मायके में वापस आने के कुछ अरसे बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अब NGO में मुस्तकिल जॉब करने लगी, उसी की परवरिश की खातिर। बहन ट्यूशन पढ़ाने लगी और भाई भी पढ़ाई के साथ जॉब करने लगा, तो हालात बेहतर हो गए। दुख के दिन चाहे कितने ही हों ज़्यादा ही लगते हैं। खैर, इन तल्ख यादों की तलखियाँ इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी कम नहीं हुई। ससुरालियों के नफ़रत अंगेज़ लफ्ज़ आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। अचानक गाड़ी चलते चलते एक मोड़ मुड़ते हुए काबू से बाहर हो गई और कच्ची सड़क से नीचे उतर गई। दूसरी तरफ ज़मीन में एक गहरा गड़ा मौजूद था। गाड़ी अनबैलेंस होकर लड़कती हुई गड़े में जा गिरी। ये सब इतना अचानक हुआ कि एकदम कुछ भी समझ ना आया। अंदर गाड़ी में मुझे और ड्राइवर को गाड़ी के शीशे टूट टूट कर लगने लगे तो हमारे मुंह से दर्दनाक कराहें निकलकर कुर्बो जवार में गूंज गईं। मुझे अपने पैरों और कंधों पर शदीद दर्द की टीसें उठती महसूस हुईं। दर्द इतना शदीद था कि होश ही छिन गया। न जाने कितनी देर यूं ही गुजर गई। जब मुझे होश आया
तो अभी तक मैं गाड़ी में मौजूद थी और गाड़ी उल्टी पड़ी थी। तकलीफ़ से मेरा बुरा हाल था। हाथों और कोहनियों से खराशों की वजह से टीसें उठ रही थीं। कुछ देर बाद आंखें उस अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई तो ड्राइवर को आवाज़ दी, मुख्तार मोहम्मद। वो अपनी जगह साकित पड़ा रहा, कोई जवाब ना दिया। मैंने हिम्मत करके उसे हाथ से हिलाया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो उसकी बेनूर आंखें खुली हुई थीं। उसके गले पर नज़र पड़ी तो शीशे का नुकीला टुकड़ा उसके नरखरे में पिवस्त था। गर्दन पर खून बहकर जम चुका था। थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग चकरा गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, चीखूं, रोऊं, किसको मदद के लिए पुकारूं। गाड़ी से बाहर देखा तो दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। आसपास दरख्त भी थे। हल्की हल्की हवा में नमी थी क्योंकि दिन में हल्की बारिश हुई थी, जबकि बादल अपनी दूसरी मंजिल की जानिब रवां दवां थे, इसीलिए चाँद को थोड़ी थोड़ी देर में अपना रूप दिखाने को मिल जाता था और चांदनी हर सू फैल जाती थी। मैंने सोचा कब तक ऐसे पड़ी रहूँगी। एकदम मुझे अपने दोनों मोबाइलों का ख्याल आया। मैंने फौरन बैग की जस्तजू की, जो मैं अक्सर अपने पास रखती थी। काम की ज़रूरी फाइलें उसी में होती थी, उसी में मोबाइल फ़ोन भी थे। मैंने वो बैग थोड़ी दिक्कत के साथ उठा लिया, फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकल पड़ी। बैग संभाला, बैग की जिप खोली, मोबाइल निकाले और घर पर फ़ोन मिलाया, पर अफसोस के कॉल ना लगी। दूसरा मोबाइल भी ट्राई किया, ओह माय गॉड, क्योंकि सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब तो मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऊपर से दर्द की टीसें अलग उठ रही थी। मैं अपने साथ कोई ना कोई पेन किलर ज़रूर रखती हूँ। वो बैग में पड़ी हुई मुझे नज़र आई तो पेन किलर लेने का ख्याल आया। मैं फ़ौरन पानी की बोतल तलाश करने लगी, पर गाड़ी में कदरे अंधेरा था। मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और बोतल नज़र आ गई। मैंने जल्दी से गोली खाई, पानी पिया, बोतल बैग में रख ली। अब मुझे आगे बढ़ना था। समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ का रुख करूं, क्योंकि इस वीरान उजाड़ और गैर आबाद इलाके से निकल पाऊं। आसपास से झींगरों और मेंढकों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन रखी, दूसरा मोबाइल संभाल कर वापस रख दिया कि ना जाने आगे कैसे हालात पेश आए। मुझे रोशनी को संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। डरते डरते मैं आगे एक सिमत में भरने लगी। कोई पगडंडी भी नज़र नहीं आ रही थी। वैसे तो मैं बहुत बहादुर बनती थी, पर इस वक्त तन्हा एक अनजान सुनसान इलाके में आ फंसी थी। दूर उल्टी हुई गाड़ी पड़ी थी और गाड़ी में ड्राइवर की लाश थी। मैं खुद ज़ख्मी थी। सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुझे अपनी तन्हाई और बेबसी पर रोना आ रहा था। ज़रा ज़रा सी आवाज़ पर मेरा दिल धड़क जाता था। अपने हवासों पर जितना कंट्रोल कर सकती थी कर रही थी। खौफ की शदीद लहरें उठ रही थीं और उनकी वजह से मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे थे। मैं अंदरूनी तौर पर नाकाबले बर्दाश्त कैफियत से गुजर रही थी। इंसानी जिस्म तो बहुत नाजुक होता है, लेकिन उसे मजबूत बनाता है इंसान का इरादा और हौसला। अगर ना हो तो इंसान जिस्म में खून की रवानी में कमी या ज़्यादती होने से बेबस और लाचार हो जाता है। और वाकई में डर रही थी। क्या कोई अंदाज़ा कर सकता है कि उजाड़ बयाबान सुनसान इलाका, अंधेरी रात, दूर दूर तक इंसान तो क्या किसी चरिंद परिंद तक का वजूद नहीं। ऐसी सूरत हाल में एक औरत जात जिन मुश्किलात कर्ब अज़ियत और खौफ के शिकंजे में जकड़ी पड़ी हो तो उसकी कैफियत कैसी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। ये भी लग रहा था कि शायद ड्राइवर की तरह मेरी मौत भी यहीं लिखी हुई है, इस वीराने में कोई जंगली जानवर आके मुझे दबोच ना ले। मुझे उस वक्त पता नहीं क्यों अपनी माँ शिद्दत से याद आने लगी। अभी मैं कुछ दूर चली थी कि मुझे सामने से कोई हयोला अपनी तरफ बढ़ते दिखा। ऐसे वीरान इलाके में अपने अलावा किसी और ज़ीरू को देखकर थोड़ी तसल्ली हुई। वो हयोला किसी मर्द का था, वो भी मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। फिर दूर से उसने पूछा, कौन है यहाँ? मैंने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, मैं एक मुसीबत ज़दा औरत हूँ भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। वो करीब आया तो मैंने बेकरारी से उसे अपनी परेशानी, गाड़ी का हादसा, ड्राइवर की मौत और उस इलाके से निकल जाने के लिए दुरुस्त सिमत के इंतखाब के लिए मदद का कहा। वो शख्स दिखने में उधेड़ उम्र के आसपास लग रहा था। शॉल कंधों पर डाली हुई थी। मैं बहुत थकन महसूस कर रही थी। बहरहाल वो मुझे उसी इलाके का वाकिफ़ लग रहा था। बराए मेहरबानी इस इलाके से निकलने में मेरी मदद करें ताकि कोई रेस्क्यू लाई जाए, टैक्सी ड्राइवर को वर्षा के हवाले किया जा सके और गाड़ी भी गड़े से निकाली जा सके।
उसने मेरी बात सुनकर आसपास देखा और एक सिमत इशारा करके बोला, आप इस तरफ चलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। वो एक सिमत चलने लगा। वो काफ़ी आहिस्ता चल रहा था जबकि मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शमरान बताया। मैंने चलते चलते चारों तरफ नज़र दौड़ाई पर कोई छोटी या बड़ी सड़क दूर दूर तक नज़र न आई। मैंने शमरान की तरफ देखा तो वो किसी गहरी सोच में था। मुझे ना जाने क्यों तरह तरह के वसवसे घेरने लगे। मैं तेज़ तेज़ चलने लगी कि शायद मेरे तेज़ चलने से वो भी तेज़ कदम बढ़ाने की हिम्मत कर ले, पर मैं काफ़ी आगे आ गई। महसूस हो रहा था कि शमरान काफ़ी पीछे रह गया है। मैंने थोड़ा रुककर पीछे मुड़कर उसको देखा। वो मुझसे थोड़ा दूर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता आ रहा था, पर उसकी आँखें खौफनाक हद तक मुझे डरा गईं। उसकी आँखें नॉर्मल नहीं थी बल्कि जलते अंगारे थे। ओह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। इसे इंसान समझकर जो थोड़ी बहुत हिम्मत जमा की थी वो भी गई। पैर खौफ से डगमगाने लगे क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान लग रहा था। मैंने सारी हिम्मत जमा की और भागने के लिए कदम आगे बढ़ाए। डर की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, जान जाने का भी खौफ था। जान बचाने के लिए खुद के अंदर एक ताकत पैदा हुई और उसी ताकत के बल पर एक सिमत में भागने लगी अंधाधुंध। पीछे मुड़ के देखा तो वो अफरेद की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसके मुंह से भयानक आवाज़ निकली। ना जाने कहां से वो कुवत आ गई जो मुझे अपने दर्द भुला के तेज़ भागने पर मजबूर करने लगी। कुछ देर दौड़ते हुए मुझे ठोकर लगी और मैं ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिरी, पर मैंने चोट की परवाह ना की और सारी हिम्मत जमा करके दोबारा भागने लगी। ज़िंदगी में मैं पहले कभी भी इतनी तेज़ नहीं दौड़ी होंगी जितना तेज़ आज दौड़ रही थी। मैं अंधाधुंध भागती रही। अब मैं कब्रिस्तान क्रॉस कर रही थी। कब्रिस्तान की वो आखिरी सरहद थी। मैंने भागते हुए मुड़कर देखा, पीछे भी कोई आता हुआ दिखाई ना दिया, मगर मैंने अपने कदम ना रोके और दौड़ना जारी रखा। दफ़तन मेरे पैर हवा में मौलिक हो गए और मैं तेज़ी से नीचे की तरफ गिरती चली गई और आखिर मेरे पैर ज़मीन पर टिक गए। थोड़ी देर तक दिमाग माउफ रहा। ऐसा लगता था जैसे जलजला आके चला गया हो। थोड़ा होश बहाल हुआ और आंखें देखने के काबिल हुई तो पता चला कि मैं किसी सूखे कुएं में पड़ी हुई हूँ। अपनी बेबसी पर मुझे बेख्तियार रोना आ गया। बहुत देर तक मैं रोती रही। रोते रोते आंसू खुश्क हो गए। पूरा जिस्म दुख रहा था। दिमाग काम करना छोड़ गया। कान शाएं शाएं करने लगे। वहीं पड़ी रही, हिलने जितनी भी हिम्मत नहीं थी। आंखों के आगे अंधेरा बढ़ने लगा। शायद अब मैं बेहोश हो रही थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया कि मेरी आँख खुली। पल में ही सब याद आ गया कि मैं कहाँ हूँ। दूर पड़ा मोबाइल टॉर्च की रोशनी मध्यम जल रही थी। मैंने समझ लिया कि मेरी मौत इधर ही होनी है। मैंने अपने अल्लाह से अपने करदा और ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांगी और हिम्मत करके ऊपर कुएं के किनारों की तरफ देखने लगी। मैं उठी और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, कोई है, मुझे इस कुएं से निकालो, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है। पर कोई जवाब ना आया। मैंने दोबारा हिम्मत करके बहुत ज़ोर से चीखी चिल्लाई पर कोई भी मेरी मदद को ना आया। दफ़तन कुएं के किनारे पर कोई हयोला नमोदार हुआ और आवाज़ आई, क्या आवाज़ यहाँ से आई है? कुएं में कोई मौजूद है? तुम जो कोई भी हो जवाब दो, कौन है यहाँ? मैं बस तशक्कुर अमेज़ अंदाज में उसे यकटक देखे जा रही थी। क्या दुआएँ इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं? और मैंने उसे जवाब दिया, मैं एक औरत हूँ, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, खुदा के नेक बंदे मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। उस शख्स को हालात समझ में आ चुके थे। उसने कहा, हिम्मत रखो, डरो मत, आसपास कोई रस्सी नहीं है, मगर मैं कुछ करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। और कुछ देर बाद उसने किसी पेड़ की लंबी डाली और एक रस्सी नुमा बेल कुएं में लटका दी तो मैंने मजबूती से बेल पकड़ ली। फिर उसने बैल को ऊपर खींचा और मैं अल्लाह का नाम लेकर ऊपर की जानेब भरने लगी। जल्द ही मैं कुएं से बाहर निकल आई, हाँपने लगी। मेरा सांस दुरुस्त हुआ तो अपने मोहसिन को देखा। वो शख्स वही था जो मुझे पहले मिल चुका था। वो अजीबो गरीब लिबास में मौजूद था। उसने अपना नाम शमरान बताया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे साथ मेरी बहन भी है जिसे मैं शहर ले जाना चाहता था। तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं उसे झाड़ियों से घिरी जगह पर बिठा के आया हूँ। वो इस वक्त दर्जा में है, शहर जाने तक की मोहलत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। तुम एक औरत हो और औरत का दर्द समझ सकती हो, तुम उसकी मदद करो।
कहीं वो जान से ना चली जाए, सोचो मत, जल्दी करो, खुदा के लिए इनकार ना करना। ये सब सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हुई और मैं उसके साथ चल पड़ी। उसने हाथ से एक तरफ इशारा किया कि वो हमारी बैलगाड़ी उधर ही खड़ी है, और मैं उस तरफ गई क्योंकि वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी। झाड़ियों की आड़ में एक खूबसूरत लड़की दर्दजा में जैसे तड़प रही थी। मैंने उसे हिम्मत हौसला दिया तो बजाय हिम्मत करने के उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जो इस बात के गुमाज थे कि वो इस वक्त अपने शदीद तरीन कर्बनाक दौर से गुजर रही थी। मैंने उसकी मदद की और अल्लाह के फजल से थोड़ी देर मज़ीद तकलीफ सहने के बाद बच्चा पैदा हुआ। तब जाके लड़की के आंसू थमे। मैंने बच्चे को उलट पलट कर देखा उसके जिन्स जानने के लिए, तो यकायक वो बच्चा मेरे हाथों में अपनी हैयत तब्दील कर रहा था। उसका वज़न भी बढ़ गया था। मैं समझने की कोशिश करती रही। इस दौरान वो लड़की उठ के मेरे करीब हुई और बच्चा मुझसे लेकर उसे ममता भरी नज़रों से देखने लगी और चूमने लगी। इसी खुशी में उसने मेरे हाथ पर एक छोटी सी कपड़े की थैली रखी। मैंने सोचा ये खुशखबरी इसके भाई को सुनाऊं। गाड़ी की तरफ लपकी पर उसका कुछ पता न चला। वापस माँ और बच्चे की तरफ आई तो वो दोनों भी गायब थे। करीब था कि मैं घबरा के गिरती या बेहोश हो जाती। मुझे लड़की के भाई की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बहन की मदद की। अब कोई सवाल जवाब ना करना, इस बैलगाड़ी पर बैठ जाओ, ये तुम्हें पक्की सड़क तक छोड़ देगी। और इस पोटली को तोहफा समझना। जाओ जल्दी यहाँ से चली जाओ, कहीं फिर से कोई शैतान का चेला तुम्हें तंग करने ना आ जाए। जाओ रब का नाम लेकर इस जगह को छोड़ दो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। हमारा ताल्लुक दूसरी मखलूक से है। और आवाज़ रुक गई। मैं बैलगाड़ी में सवार हुई। बैलगाड़ी हौले हौले खुद ही आगे बढ़ने लगी। काफ़ी देर तक चलती रही, फिर एक जगह जाकर रुकी तो मुझे उतरना पड़ा। ये बेहद सुनसान इलाका था। फिज़ा में अजीब सी बदबू रची बसी थी जो कि मिजाज को नागवार कर रही थी। फिर मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो बैलगाड़ी गायब थी। मैंने सड़क पर खड़े इधर उधर देखा तो रोशनी ने मुझे मतवज्जो किया। मैंने खुदा का लाख शुक्र अदा किया। अब आसमान पर अंधेरे की बजाय गहरा नीला रंग वाजे हो रहा था। सुबह करीब थी। सड़क पर एक गाड़ी दूर से हेडलाइट चली आ रही थी। मैंने खुद को संभाला और गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। अंदर दो लोग मौजूद थे, ये एक एम्बुलेंस थी। मैंने सलाम किया और शहर जाने की लिफ्ट मांगी। उन लोगों ने मुझसे मेरे बारे में चंद सवाल किए और खुदा का शुक्र है मुझे शहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। मैं एम्बुलेंस में पीछे जाके बैठ गई और उन लोगों ने मुझे शहर छोड़ दिया। आगे मैं अपने घर की तरफ पैदल ही चलती हुई आ गई। अब हिम्मत ख़त्म हो गई थी, थकन से चूर हो चुकी थी। घर वालों ने मुझे देखते ही थाम लिया। मुझे बुखार हो रहा था और ना जाने मैं क्या क्या बोलती रही, घर वाले समझ ना पाए। होश में आने के बाद मैंने अपनी कहानी सुनाई। खैर, जब मैं कुछ ठीक हुई तो मैंने उस पोटली को खोल के देखा। उसमें कीमती सोने के जेवरात थे, कदीम जेवरात। वो आज भी मेरे पास महफूज हैं। इस वाक़े के रूनमा होने के बाद अगर कोई मेरे सामने ये कहता है कि भूत प्रेत जिन्नात अरवाह वगैरह सब वहम है, तो मैं उससे कहती हूँ कि इन चीज़ों का वजूद है कायनात में। इंसानों के अलावा अल्लाह ताला की दूसरी मखलूकात भी इस दुनिया में मौजूद हैं।